बाहर से मजदूर यहाँ लाएंगे अपने यहाँ से लिया गया है। यहाँ का मजदूर काम करना पड़ता है, जो करत है वो बंधुआ मजदूर रह जाता है। ऐसे वो बात हम लोग कल रखे हैं वहाँ पे कि भाई जब ऐसे चलेगा तो हमारा भी भविष्य खराब हो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हम लोग भी पढ़ाई करें आज भी जो है कि किसी न किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो हमारे आने वाले भविष्य में हम गरीबों को इसी तरह रह जाएगा, हमारे लिए भी कोई सुख सुविधा मिलेगा। हम सरकार से ही मांग कर रहे हैं सब मुसहर वर्ग के लिए या जो इस कास्ट में है सबके लिए, ये जो है कि ये समस्या हम लोगों का हटाया जाए, क्योंकि हमारा भी भविष्य सब उज्ज्वल है। हम लोग भी अपने पैरों पर शिक्षा दीक्षा से भरपूर हैं, हम लोग भी पढ़ लिख सकें, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख सकें, और जो है कि कोई चीज़ की समस्या न रह जाए। ट्रैफिकिंग जो हो रही है, जो अंतर से लेवल यहाँ बुलाए जाते हैं उनको नाबालिग बच्चियों के साथ कुकर्म लोग करते हैं। हम लोग दबंगई दबंगई से दबा कर रखते हैं, हम लोग अपने मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकाल सकते उनके डर के नाते कि हम अगर आज बोलेंगे तो कल हमें जो है मार देंगे या हम लोग पर जो है कोई भी एक्शन लेंगे, इसलिए हम लोग बहुत डर कर रहते हैं। अपने शिक्षा में आज मार देगा तो हमारे पास इतना दिमाग नहीं है कि हम कहाँ जाकर फाइया कर सकते हैं, कहाँ अपना मुकदमा दायर कर सकते हैं, इतना तो दिमाग नहीं है उसके पास। तो पूरे दिमाग है, अगर हम कर भी देते हैं कहीं से थाने से थाना से कोर्ट से तो वहाँ भी वो लोग दबा भी देते हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती, इसलिए तो और हम लोग डर गए। यही हम सरकार से कल मांग कर रहे थे कि हमारा ये भी सुनवाई होना चाहिए कि हम लोग भी यहाँ का एक हिस्सा है, हम लोगों का भी अधिकार है, हक हम लोगों को भी मिलना चाहिए। कहाँ के हैं आप, कहाँ से आए हैं? जी हम आए हैं बनारस। बनारस में कहाँ के रहने वाले हैं? जी हमारा है घर ग्राम सराय पोस्ट कनकपुर तहसील पिंडरा थाना फूलपुर जिला वाराणसी। पिंडरा, तो आप कहाँ कहाँ पे आपको बंधुआ बनाया था? जी हमारा उंदी भट्टा में। भट्टा में? हाँ बनारस के अंदर में उंदी ईंट मार का राजा ईंट मार का जी वही। किसका भट्टा है वो? वो है बबलू सिंह खनियाटी सिंह का। बबलू सिंह खनियाटी सिंह? अच्छा, तो कई दिन वहाँ पे आप बंधक रहे? जी हम 6 महीने हो गए। 6 महीना रहे? अच्छा, तो फिर कौन छुड़ाया आपको? जी हम लोग भाग कर अपना किसी भी तरह से आए तो बंधुआ छुड़ाए। हमारे PVCHR मानवाधिकार जनगणना समिति के कुछ लोग हमारा बहुत सहयोग किए। अच्छा, कौन कौन था आप? 4 लोग थे वहाँ पे? जी नहीं, ये लोग अलग अलग उसी तरह ये भी हैं। अच्छा, आप कहाँ थे? सर हमारा घर है अरे जाम जिला जौनपुर है, थाना सिकरारा है, पोस्ट मसीदा। अच्छा, तू कहाँ? धरारा से छुटे थे? हाँ हम गाजीपुर से छुटे। गाजीपुर में कहाँ कहाँ बंधक बना रहा? हाँ गाजीपुर है, मुड़ियार। मुड़ियार में? हाँ मुड़ियार में रहते। भट्टा में ले गया था? हाँ भट्टा पे ले। केकर भट्टा रहे? अरविंद यादव। अरविंद यादव का नेता है? हाँ नेता है। तो कैसे छूटे फिर? हम सब पेड़ छाए तर रखे रहते हैं, पेड़ छाए तर परीक्षाएँ तो रहे, ये 6 महीना परीक्षाएँ तो रहे, तो खाली मड़ाई झोपड़ी रखने के लिए के विषय में मारा पीटा था हम सब से। तब वहाँ कैसो 6 महीना रहने के बाद तब छुपे तहुल से वहाँ, जब सब सन्नाटा हो गया, मालिक लोग सब रही अथवा करें, तब वहाँ से हम सब भाग चले। कौन बिरादर हुआ? मुसहर है। मुसहर? हाँ। अच्छा, कई दिन वहाँ पर रखे रहे लोग? 6 महीना? 6 महीना रहे। 6 महीना? हाँ। क्या बोल के ले गए थे? क्या ले गए थे घर पर, हम सब को खुद आया था ले आने जाने के लिए। अच्छा। हाँ हमारे ठेकेदार नहीं रहे थे, हम सब 11 जने रहे थे। अच्छा, 11 जने? हाँ। और कौन कौन रहे यहाँ पे? भी और लोग हैं यहाँ पे? नहीं हम अकेले रहे। अच्छा, आप कहाँ रही? आपको कहाँ बंधुआ बना रहा? हम किराकत में। किराकत में? हाँ दिलकपुर गाँव है। कहाँ का रहने वाला हूँ? जौनपुर का। किराकत है जौनपुर में ना? हाँ। गांव सकरा है। अच्छा, कई दिन रहूँ वहाँ पे? वहाँ हम 7 महीना रहे। 7 महीना? हाँ। लेको आयुष के भाई? ना 3 महीना। अच्छा, वहाँ से गिले के बाद? हाँ। अच्छा, कब पैसा देते ना? वो आपको पैसा ना दे लेन, बोलो मरले रहलन बहुत, हमें सबके 11 जने वहाँ पाथत रहे, हम सब 11 जने के जब तबीयत खराब हुई तो पैसा मांगे लगे दवाई बदे, बहुत मारन हमारे पति के मेरे देवरे के, और अपने घरे से आदमी बुलवा ली है नींदमणी नाग हो भट्टा मालिक का। कौन भी आदर हुआ? ठाकुर हम। अच्छा, तो नेता नेता हुआ? नहीं नेता, पता नहीं नेता है। दबंग है? हाँ। तापुर वाला वहाँ पे? हाँ ये नहुर वाला। अच्छा, कै महीना? साड़ी भी खींच लेना। 7 महीना पेड़ के नीचे रखे रहना मैंने के। पेड़ के नीचे? हाँ पेड़ के नीचे, जैसे कि वहाँ वोस वोस ऐसे
पत्ता था वहाँ पे, वहाँ पे हम लोग अपना जिंदगी गुजार रहे थे। तो हम लोग बोले मालिक जी थोड़ा हम लोग के लिए झोपड़ी रख दीजिए, तो बोले कि जाइए अपना सरपत उरपत नहीं होता है वो काट के लाइए अपना रखिए, हैं हमारा काम यही है कि हमारे भट्टे पा गए हमसे काम से मतलब है जी। तब उसके पास में हम लोग बोलने लगे कि पैसा वैसा दीजिए हम लोग को खाने के लिए, तो बोल रहे हैं काम करिए तो पैसा देंगे। तो हम लोग काम स्टार्ट कर दिए, करना चालू कर दिए, 4-5-6 महीने तक काम किए। तबीयत खराब हो गई, इसके बाद मेरा वो भाई था उसके हाथ में थोड़ा दर्द आ गया, उसने कुछ बोला कि हम आज मिट्टी नहीं भिगाएंगे, तो नहीं भिगाया मिट्टी। तो उसके पहुँचे मालिक, मालिक का एक और होता है मुंशी, तो मुंशी बोले पप्पू पंडित थे तिलकपुरा का, तो बोले कि ऐसा बात है तुम मिट्टी भिगा दो, तो बोले कि नहीं मुंशी जी हमारा हाथ में थोड़ा दर्द है हम नहीं भिगा पाएंगे। तो बोला कि क्यों नहीं भिगाएगा तुम हैं, तो वो बोला कि नहीं आज हम नहीं भिगाएंगे। तो भाग के आया मेरे पास, बोला भैया मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि नहीं। तो वो कहें कि इसी पर वो गाली दे दिए उनको हैं, गाली देने के बाद तो बोले कि मुंशी जी गाली क्यों दे रहे हो, तो बोल रहे हैं मुंशी क्यों बोला मैं मालिक हूँ। अच्छा, हाँ मैं मालिक हूँ, आधे का हिस्सेदार हूँ। तो क्या मेरा भाई जवाब दिया, बोला कि मैं तो ही जानता हूँ या मुंशी हूँ है, तो उसी पे चार छह पड़ाका और मारा उसको है। मारने के बाद बोला कि आज के बाद मुंशी नहीं मालिक बोलना है। तो ये यही शब्द किया कि आप पैसा मान लो काम कराते हैं कि मारने के लिए है, हम लोग काम करने के लिए आए हैं कि मार खाने के लिए। इसमें थोड़ा शरारत हो गया, तो वो मारने लगा, तो सर क्या हम लोग छुड़ा नहीं सकते हैं अपने आदमी को, तो छुड़ा है तो उसमें धक्की मुक्का हो गया, हम लोग से भी थोड़ा हो गया था, हो गया। तो उन्होंने 6 बाइक से 6 गुना 12 आदमी आए अपने गाँव से है। आने के बाद में जैसे फिल्म में मार होता है वैसे इतना बड़ा बड़ा डंडा लेकर के वो लोग मारना स्टार्ट कर दिए एकदम। मेरी ये बहन है ना, इसका ब्लाउज जैसे फट गया था है। हम लोग उधर से भाग करके कैसे कैसे करके छुप छुप करके आए, यहाँ पे थे गांव में आकर के। तो आए तो ऐसे हमारे गांव में कुछ यही मानवाधिकार का कार्यकर्ता चलता था, मतलब जन सुनवाई का, तो हम लोग भी उसमें भाग कर गए। तो वहाँ पे ये सुनवाई हुई हमारा लोग का। वो बोले थे कोर्ट कचहरी थाना पुलिस वो हमारे मुट्ठी में है, अच्छा वो हमारे जेब में है, हम FIR किए थे अपने थाने से, लेकिन पुलिस उल्टा मुझको ही पकड़ रही है। अच्छा, हाँ तो मैं अपना भाग के जान बचाऊँ तो मैं उसकी मुट्ठी में जाऊँ। तो यही बंधुआ मजदूर की यही कहानी है, है? क्या बंधुआ मजदूर ऐसे ही रहेंगे? तो सर वही बात है, हैं हम लोग को दलित इंसान मरिए जरूर, लेकिन वह नदी नहीं वो सीधा लेके जाएंगे हैं। अब गरीब आदमी क्या कर सकता है, उसी समय हमको जवाब नहीं मिलना जब मारना चालू कर दिया, हम जबरदस्ती छुड़ाया, मेरे भाई का गाल फुलाया है, हमारे इसी जगह पे पिस्तौल लगा दिया था डायरेक्ट, ऐसे ए मेरी बहन देख रही थी हैं, ऐसे डायरेक्ट लगा दिया। अब क्या बोलेंगे हम वहाँ पे हैं, उस समय कोई बोलिए नया और बोलेंगे कि वहाँ गोली खाने की आवश्यकता आ गई थी हमारे हैं, लेकिन कैसे कैसे करके सर वहाँ से भाग के आए। ये सब कहानियाँ है हमारे, कुछ कार्रवाई हुआ उन लोगों पे? कार्रवाई तो आए तो वहाँ से मानवाधिकार में हम लोग आए जब वहाँ से कार्रवाई हुआ, तो वो लोग हमको जैसे बच्चे के जैसे इज्जत करके एकदम बहुत बहुबली जैसे लेके गए, आराम से दिलाए हम लोगों को खाना पीना सब कुछ। 8 दिन तक हम लोग कुछ नहीं खाए थे हैं, आए वो लोग हम लोग को खाना पीना खिला करके एकदम सावधानी से रखे हम लोग को, एकदम आराम से सब कुछ सामान दिलाए आए तब घर पे छोड़े। सरकार 20,000 रुपया भी दी थी। बीस हजार रुपया सरकार 80 मिला। अच्छा, अरे इसका मालिक तो इतना खतरनाक है, वो हमारे घर आ गया, कहा कि अखिलेश यादव रिश्तेदार है, और एक जानी इनके मालिक जो है चुलबुल सिंह हमारे चाचा है विजय सिंह, उनका हमारे घर हमारे नहीं बोला
इंद्रमणि से उनका घर है। अच्छा तुम इंद्रमणि कहाँ से छूटे थे? इंद्रमणि से खतरनाक उनका गाँव है मुन्ना बजरंग हरिपुर जौनपुर जिले का है। उनका मार्का है ज्योति मार्का, यही है ना सर ज्योति मार्का। सब लोग भट्टा वाले हैं। ये लोग मुसार सर हम जब वहाँ से तब भी हमके दोबारा उठा ले गया, ले जाके बंदूक बंदूक ला एसपी अरे अरे यहाँ के अरे कमिश्नर साहब वहाँ ले जाके मारा पीटा लग रहा उनके सामने। फिर कोतवाली में ले जाके बंदूक ला धमकी दे मारा पीटा कर अथवा करो अथवा करो लिखो पढ़ो लिखो साइन करो। हम कह सर हम कौन गलती करे साइन आपके करूँगा कर रहा हूँ। थोड़ा कैलाश मुसहर ग्राम सकरा जिला जौनपुर। कैलाश मुसहर ग्राम सकरा जिला जौनपुर। तू बताओ अपन। हमारा नाम रामदयाल गांव सराय पोस्ट कनकपुर तहसील पिंडरा जिला वाराणसी। हमारा नाम टिंकू ग्राम जाम पोस्ट मसीदा थाना सिकरारा जिला जौनपुर तहसील भी जौनपुर। ठीक ठीक।